नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स के अंदर जो स्किन इन्फेक्शन होता है, वो स्किन इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, वो किस कारण से होता है, और यदि आपका बर्ड्स किसी फंगल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में है, आप उसको कैसे डायग्नोसिस करोगे, और यदि आप टाइम पे डायग्नोसिस कर ले तो उसका ट्रीटमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर भी स्किन का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है। उसी तरह जो हमारे पक्षी भी हैं, वो भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रभावित होते हैं, और समय रहते यदि निदान कर लिया जाए तो उसको ट्रीटमेंट करने में बहुत ही आसानी होती है। यदि आपके पक्षी को कोई इंजरी हो गई है और इंजरी की वजह से बॉडी पर रेडनेस या स्वेलिंग आ गई है, उसमें एक इरिटेशन चालू होगा, बर्ड्स रेस्टलेस हो जाएगा, बर्ड्स अपने पंजे से उस पोर्शन को पार्टिकुलर खारिज करना शुरू कर देगा, वह धीरे धीरे रेडनेस स्वेलिंग बढ़ती जाएगी और वहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल ग्रो करना शुरू कर देगा स्पॉट, और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वो पूरा जो पोर्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है, उसमें आपको पस देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे बर्ड्स जो है बार बार उसको स्क्रैच करके उस पोर्शन से ब्लड निकालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का कोई यदि पक्षी आपको दिखता है तो उसमें आप कह सकते हो कि जो बर्ड्स में जो इंजरी की वजह से तो स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इंजरी की वजह से जब वहां पे जख्म बना है उसमें क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इस तरह की चोटों को आप क्या कर सकते हो, सिंपली एंटीसेप्टिक से वॉश कर सकते हो, या आपकी जो भी है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दे सकते हो, इंजेक्शनेबल दे सकते हो, या कोई टॉपिकल या क्रीम लगा सकते हो। जो बर्ड्स में फंगल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला इचिंग। कोई भी बर्ड्स होगा वो रेस्टलेस होना शुरू होगा, अपनी बॉडी में एक एक करके इचिंग करना स्टार्ट कर देगा। आपको पहले ही नजर में समझ जाना चाहिए कि आपका बर्ड जो नॉर्मल बिहेवियर था उससे एबनॉर्मल होता जा रहा है, यानी इचिंग एक नॉर्मल स्टेजेस से ज्यादा करनी शुरू कर देगा, और पार्टिकुलरली जिस पोर्शन पे उसने इचिंग स्टार्ट करी वहां पर रेडनेस स्टार्ट ही रहेगी, और रेडनेस के साथ साथ फिर स्वेलिंग भी हो जाती है। ये तीनों सिम्टम्स जैसे बर्ड्स के अंदर देखते हो तो आपको इमिडिएटली अलार्मिंग साइन है कि आपका बर्ड्स जो है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन किसी भी एक से प्रभावित है। बर्ड्स के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मोस्टली बैक्टीरिया के द्वारा, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाफिलोकोकाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बर्ड्स की बॉडी के करते हैं। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली जैसे हम बोलते हैं कि रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, रिंग वॉर्म का जो इन्फेक्शन है बर्ड्स के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन, क्रिप्टोकोकस फंगाई और मेलेजियस स्पीसीज के द्वारा मोस्टली फंगल इन्फेक्शन फैलता है। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली बर्ड्स के अंदर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन यदि आपका बर्ड्स ईस्ट इन्फेक्शन से प्रभावित है तो ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली बर्ड्स में बीक के अराउंड, यानी आपके जो पक्षी की चोंच है उसके आसपास यदि कोई इन्फेक्शन होता है वो ईस्ट इन्फेक्शन होता है, बाकी जो दूसरी बॉडी पार्ट्स पर जो इन्फेक्शन देखेंगे वो फंगल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल। ट्रीटमेंट, यदि आपके पक्षी में बर्ड्स के अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले तो यह है कि आपको उसको प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जैसे ही सिम्टम स्टार्ट होते हैं तुरंत आप अपने बर्ड्स को वेटनरी डॉक्टर के पास लेजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने बर्ड्स को डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे उतनी ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और बर्ड्स की जो है रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बर्ड्स में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बर्ड्स को ओरली एंटीबायोटिक दिया जाएगा और टॉपिकली जो है ओरल एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने को दी जाएगी ताकि वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी क्योर कर सके। यदि आपका बर्ड्स फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित हो गया है, फंगल इन्फेक्शन के केस में मोस्टली क्या करेंगे, जो मेडिकेशन है वो मोस्टली ओरली होता है, यानी ओरल मेडिकेशन के द्वारा फंगल इन्फेक्शन को आप ट्रीट करेंगे, और जिस पोर्शन पे आपका बर्ड्स पे फंगस का वो पार्टिकुलर पोर्शन है उस पे टॉपिकल स्प्रे करके द्वारा आप उसको क्योर कर सकते हैं। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है मोस्टली क्या है, ह्यूमन से बर्ड्स में या बर्ड्स से ह्यूमन्स में एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, तो इस तरह का यदि कोई इन्फेक्शन देते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि यदि किसी ह्यूमन में इन्फेक्शन है तो वो बर्ड्स में नहीं जाएगा, ह्यूमन से बर्ड्स में भी जा सकता है और बर्ड्स से ह्यूमन में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए हाइजेनिक कंडीशन बिल्कुल मेंटेन कीजिए, यानी साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, यदि ह्यूमन के केस में बता रहा हूँ, तो आप उस किसी भी हेल्दी बर्ड्स को आप डायरेक्ट टच मत कीजिए, क्योंकि आपके टच करने से जो आपका इन्फेक्शन है आपके बर्ड्स के अंदर ट्रांस। यदि आपको पक्षियों से संबंधित किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, या आपका कोई पक्षी जो मैंने सिम्टम बताया इस तरह से प्रभावित है, आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
या आपका कोई प्रश्न है, या आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, या आपको कुछ चीज समझ नहीं आती कि किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, वायरल में फंगल इन्फेक्शन में क्या देना चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर का जवाब दूंगा।